सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। पार्टी को जिस तरह छोड़ के आए उनके समर्थकों को भी धक्का लगा होगा। तमाम ऐसे शुभचिंतक होंगे जो अब सिंधिया से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, जो सिंधिया के नाम पर वोट देते थे अब शायद वो वोट बैंक सिंधिया के नाम पर ना रहे। लेकिन सिंधिया ने तो अपना वोट बैंक बना लिया है क्योंकि उनके नाम के आगे पीएम मोदी जुड़ गया है, बीजेपी जुड़ गया है, तो अब उन्हें अपने नाम की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि वोट बैंक तो पीएम मोदी के नाम पर आता है, इसलिए वोट बैंक की अब उन्हें सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस सोचना तो यह है कि आखिर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी में प्रेमचंद गुड्डू जो कि 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, वही लोभ होगा, वही लालच होगी। लेकिन वह तो यह कह रहे थे कि मैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से पार्टी छोड़कर आया था, परेशान हो गया था, किसी और पार्टी में भी जा सकते थे। लेकिन विपरीत विचारधारा की पार्टी में जाना कुछ और साबित करता है। फिर भी चलिए हम उस बात को अभी खारिज करते हैं। अब प्रेमचंद गुड्डू को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह सिंधिया की लगातार बुराई कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि सिंधिया का डीएनए में ही वो है, जैसे बोलते हैं बेईमानी है, गद्दारी है, यह बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा अब सिंधिया यहाँ आ गए हैं, मैं ये पार्टी भी छोड़ दूंगा। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उन्होंने प्रेमचंद गुड्डू को निकाल दिया, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू कह रहे हैं उन्होंने बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था। चलिए यह बात भी पुरानी हो गई, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू मध्य प्रदेश भोपाल कांग्रेस से फिर जुड़ गए हैं। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि विचारधाराओं का आदान प्रदान है या फिर वाकई में सिंधिया से उन्हें परेशानी है, लेकिन कांग्रेस में जाएंगे या फिर भाजपा में आएंगे। तो प्रेमचंद गुड्डू के संबंध में अपनी राय अवश्य दें। फिर से कांग्रेस में जाना और जैसे कांग्रेस से भाजपा में आए थे किसी अन्य पार्टी में नहीं गए थे, यह क्या जताता है, क्या बतलाता है, यह समझ में नहीं आ रहा है। यह आप हमें समझाने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।